हमने आपको आज तक बहुत सारे ऐसी वीडियोस दिखाई हैं, जिसमें कुछ पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज किसी को भी हैरान कर सकती हैं। लेकिन हमारी आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे यूट्यूबर्स दिखाने वाले हैं जिन्होंने खुद अदृश्य शक्तियों को महसूस किया है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कौन थे वो यूट्यूबर्स और उन्होंने कब कब और क्या क्या महसूस किया। कूपर मैके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए जहां पर एक यूट्यूबर जिसका नाम कूपर मैके था, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की और उसमें ये कहा कि उसे एक बहुत ही अजीब तरह की हंसने की आवाज सुनाई दे रही है। ये यूट्यूबर अपनी बहन के साथ वीडियो बना ही रहा था, तभी अचानक से इसने ये देखा कि इसकी बहन बहुत ही अजीब तरीके से हंस रही है। जहां वो तो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में थोड़ी ही देर में वो जमीन पर गिर गई। और फिर थोड़ी देर बाद सभी चीजें नॉर्मल हो गई। अब दोस्तों, यहाँ तीन चीजें हो सकती है, या तो ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, या इस लड़की को वाकई में मेंटल प्रॉब्लम है, या फिर असल में यहाँ पर कुछ अजीब था, ठीक वैसे ही जैसे ये लोग कह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या हुआ होगा? टाइलर हार्डी। दोस्तों, अब अपनी नजर इस वीडियो पर डालिए, क्योंकि इस वीडियो में टाइलर हार्डी नाम के एक टीनेजर लड़के ने अपने यूट्यूब चैनल पर जब ये वीडियो डाली, तब ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसमें एक दिन अचानक से जब ये अपने दोस्तों के साथ सो रहे थे, तो इनका एक फ्रेंड उठकर खड़ा हो गया और ऐसा होते देख इन्हें लगा कि ये नींद में चल रहा है, इसलिए इन लोगों ने उसे चढ़ाने के लिए वीडियो बनाई। लेकिन वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। ऐसे में दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं कि नजारा कितना ज्यादा खौफनाक था और शायद इसी वजह से ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। फास्टर देन पास्ता। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप फास्टर देन पास्ता की है, जिसमें एक लड़की और उसका दोस्त मिलकर साइमन नाम के भूत को ओइजा बोर्ड गेम से बुलाना चाहते थे। लेकिन हमें लगता है कि साइमन नाम के इस भूत को इनका इस तरह से बुलाना अच्छा नहीं लगा और शायद इसी वजह से इन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्योंकि इस गेम को खेलने के दौरान इस लड़की के हाथ अपने आप ही इसके वश से बाहर हो गए, जिसके कारण ये लड़की अपने आप ही जमीन पर गिर गई। हालांकि जब ये ठीक हुई तो उसके कुछ ही समय बाद इसके साथ मौजूदा लड़का जिसका नाम जिमी था, वो एक अलग तरीके से बिहेव करने लगा, जो कि वाकई में बहुत डरावना था। जिमी, what are you doing? What happened? वैसे दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपको अचानक से ये महसूस हो कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? अगर हाँ, तो अपने उस डरा देने वाले किस्से के बारे में हमें और हमारे सब्सक्राइबर्स को बताना बिल्कुल मत भूलना। जॉय सेल्वाटोरे। दोस्तों, ये वीडियो जॉय सेल्वाटोरे नाम के एक व्यक्ति ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली, जिसमें उनका कहना था कि उनके पड़ोस में कई सारी अजीब चीजें हो रही थी, लेकिन उनकी सांसें तो तब थमने लगी जब वो पास की सेमेट्री में गए और जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका फ्रेंड जिसका नाम रॉजर था, वो पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर लास्ट में वो जहां मिला वो वाकई में बहुत हैरान करने वाला था। जी हाँ दोस्तों, इसे देखकर हमारी भी सांसें थमने लगी। ऐसे में इन सभी दोस्तों ने मिलकर रॉजर को उसके घर भेज दिया, क्योंकि सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे। जेरोन टू। अब दोस्तों, ये वीडियो भी आपको हैरान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो महिला आप देख रहे हैं वो बेहोशी की हालत में लेटी हुई है और इसने कई दिनों से आंख नहीं खोली, लेकिन अचानक से ये एशियन लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोल रही होती है, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में कई सारे लोगों का कहना है कि ये महिला एक्टिंग कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से ये दूसरी भाषा बोल रही है उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि या तो ये उस भाषा में प्रोफेशनल है या फिर इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, और ठीक ऐसा ही इसके परिवार वालों को भी लगता है। क्रीपी टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में जो ये लड़की दिख रही है वो अपनी बहन के साथ अकेले घर पर थी, तभी इसकी बहन के कमरे में अजीब तरह की आवाजें आने लगी और ये काफी डर गई।
ऐसे में इसने हर एक चीज रिकॉर्ड करने की ठान ली। और रिकॉर्ड करते करते जब ये अपनी बहन के कमरे में गई तो उसका दरवाजा अपने आप ही बहुत जोर से बंद हो गया। शुरू में इसकी हिम्मत नहीं हुई कि ये दरवाजा खोल ले, लेकिन बाद में इसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो इसकी बहन कुछ इस तरह से बैठी हुई थी। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है। अब हाँ, ये चीज मुमकिन है कि इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, लेकिन अगर ये चीज वाकई में इस लड़की के कहे मुताबिक पैरा नॉर्मल है तो ये लड़की वाकई बहुत बहादुर है जिसने ये सब झेला। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहें। मुजम्मिल खान। दोस्तों, कई बार तो सिर्फ आवाज ही काफी होती है इंसान को खौफ से भर देने के लिए, और मुजम्मिल खान की ये वीडियो वाकई में बहुत हैरान करने वाली है। जहां पर उनके अपार्टमेंट में उनके अलावा उनका फ्रेंड रहता था जो कि ऊपर वाले कमरे में रहता था, लेकिन जब एक बार मुजम्मिल अचानक से घर में पहुंचे तो इन्होंने कई सारी आवाजें सुनी जो कुछ इस तरह की थी। दोस्तों, इन आवाजों को सुनकर मुजम्मिल काफी ज्यादा हैरान हो गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनके अपार्टमेंट से कई सारे लोगों की आवाज आ रही थी पर उसमें से उस वक्त उनके फ्रेंड और इनके अलावा कोई और था ही नहीं। इसी वजह से उन्होंने किसी बाबा तांत्रिक को बुलाने से बेहतर पुलिस को बुलाना समझा, लेकिन अंत में किसी का कोई सुराग ही नहीं मिला और इनके साथ साथ इनके फ्रेंड भी डर गए। लांस स्टीवर्ट। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं लांस की, जो अपनी पैरानॉर्मल वीडियोस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और अभी इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर ओइजा बोर्ड चैलेंज कर रहे थे और तब इन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की। असल में इन्हें चैलेंज करते वक्त अजीब सी आवाजें आने लगी जो कुछ इस प्रकार की थी। हालांकि उस समय तो इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब इन लोगों ने ये गेम खेल लिया उसके कुछ समय बाद लांस स्टीवर्ट की एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। वैसे तो कुछ समय बाद वो कहने लगी थी कि ये सिर्फ एक प्रैंक था। ऐसे में हमें तो नहीं लगता कि इतनी अजीब तरह की हरकतें खुद से कोई कर पाएगा, लेकिन ये चीज एक तरह की चेतावनी है कि कोई भी डरावने गेम खेलने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि आप इस तरह की चीजों के लिए रेडी है या नहीं। डिलोनरे व्लॉग्स। इतनी देर से आप ये देख रहे हैं कि किस तरह लोग जबरदस्ती से हॉरर गेम्स खेलकर भूत को बुलाते हैं, और यहाँ भी ठीक ऐसी ही बात है क्योंकि इस वीडियो में ये शख्स एक ऐसा गेम खेल रहा है जिसे खेलते हुए कई सारे लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि उसमें उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता और वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं बचते। और यहाँ भी ये शख्स वीडियो रिकॉर्डर ऑन करके इस हॉरर गेम को खेलने की कोशिश कर रहा है, तभी अचानक से कैमरा अपने आप बंद हो जाता है और जब ये पूछता है कि यहाँ कोई है तो सामने से आवाज आती है कि आई एम हियर। और ये सब कैसे होता है आप खुद ही देख लीजिए। हेलो, एनीवन हियर? लियो स्ट्राइजस्की। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें वाकई में हैरान कर जाती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह लियो स्ट्राइजस्की नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई ये वीडियो हैरान करती है, जिसमें ये लड़का बहुत ही अजीब तरह की वीडियोज बनाता है जहाँ आप इसके चेहरे के अलग अलग और डरावने एक्सप्रेशन देख सकते हैं, साथ ही इसके मुंह से निकलने वाली भयानक आवाज भी कुछ कम हैरान नहीं करती। दोस्तों, ये बार बार खिड़की के बाहर अपना कैमरा रखता है और कुछ इस तरह से बातें करता है जैसे कि खिड़की के बाहर से कोई इसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। हालांकि आप में से कुछ लोग इस वीडियो को नकली कह सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें ये वीडियो काफी देर तक चली है। ऐसे में किसी इंसान का इतने समय तक इस तरह की नौटंकी करके रखना वाकई में डरावना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए
हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।